आज की वीडियो में हम डिवीजन के बारे में जानने वाले हैं। डिवीजन यानी जिसे हिंदी में भाग कहते हैं। सो बहुत ही सिंपल टेक्निक के साथ हम डिवीजन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डिवीजन को क्वेश्चन में इस तरीके से देखा जाता है जब हम छोटी क्लास में होते हैं। सो डिवीजन का फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 16 अंदर है और 2 बाहर है। सो यहाँ पर हमें देखना है बाहर वाली संख्या की 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है। सो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, टेबल पढ़ लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 सो 16 कितनी बार में आया टेबल पढ़ने पर, 8 बार में आया। सो 2 8 16 हमें यहाँ लिखना है, 2 8 16 सो 16 में से अब 16 को हमें यहाँ माइनस करना है यानी घटाना है। सो 16 में से 16 जाएगा, आंसर आएगा हमारा 0। यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं कि 9 अंदर है और 3 बाहर है। अब टेबल हमने जैसे यहाँ 2 देखा था बाहर वाली संख्या, वैसे ही यहाँ 3 देखेंगे कि 3 के टेबल में क्या 9 आता है, तो मैं टेबल पढ़ लूंगी। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 3 9 अगेन 9 में से मैं 9 को घटा दूं तो आंसर आएगा 0। अब इस सवाल को सेम ऐसे ही कर सकते हैं आप, 9 अंदर है 3 बाहर है, 3 3 9 लिखा, 9 में से 9 घटाया, कुछ लोग क्रॉस भी कर देते हैं, ये भी आंसर ठीक है आपका, ये भी आंसर ठीक है। यहाँ आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके राइट होंगे यानी कि ठीक होंगे। ऐसे ही डिवीजन को और दूसरे तरीके से देख लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड है बट उतना हार्ड नहीं है समझने के बाद। समझने से पहले हर चीज हार्ड लगती है, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 3 है। सो देखते हैं यहाँ पर कि 3 के टेबल में 17 आता है, तो पढ़ लेते हैं। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 सो 18 और 17 के बीच में तो आया ही नहीं 3 के टेबल में, या तो 15 आया है मेरा, 3 5 15 और 3 6 18 आया है, बट 17 तो आया ही नहीं। तो अब मुझे यहाँ देखना है कि 3 के टेबल में 15 और 18 के बीच में आ रहा है क्या 17 जो मेरे क्वेश्चन में है। सो अब मुझे ये देखना है कि 17 से कम क्या आता है 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में 17 से कम आता है 15, 3 5 15 ये क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 3 के टेबल में देखिए 17 आता है, अगर 17 नहीं आता है तो उससे छोटी संख्या आती है 15। सो 3 के टेबल में 5 बार में 15 आ गया। अब 17 में से 15 को माइनस करना है जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चंस में किया था। सो 15 16 और 17 सो 15 में से 17 में से सॉरी मैंने 15 को घटाया तो आंसर मेरा आया 2। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही हमने बेसिक तरीके से डिवीजन किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।